हेलो दोस्तों, देखिए आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। हम युगल सरकार जी की पजामी बनाने जा रहे हैं कुछ इस तरह की। देखिए ये 10 नंबर के युगल सरकार जी की पजामी है जिसे आज हम इन दो कलर्स से बनाएंगे, ताकि मैंने इसके साथ की युगल सरकार जी की ड्रेस बना रखी है तो उनके साथ की आज हम पजामी बनाएंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब हमें क्या करना है, ये देखिए पहले हम ऐसे एक नोट लगाएंगे, फिर हम इसे ऐसे चैन में डाल के इसको ऐसे कर लेंगे जो कि हमें पता चले। फिर देखिए हम इसके बाद हम ऐसे चैन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। हमें इस तरह की कुछ 40 चैन बना लेनी है। चलिए मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे हमें क्या करना है। ये हमारी 40 चैन बन गई है। अब देखिए हमें आगे क्या करना है। ये हमें ऐसे करना है, हमें डबल क्रोशिया बनाना है, तीसरे हुक में हमें ऐसे डालना है। फिर हम इसे ऐसे निकालेंगे, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1, इसे बोलते हैं डबल क्रोशिया। अब देखिए हमें नेक्स्ट चैन में भी यही करना है। ये देखिए हमने ये डाला, फिर ऐसे निकाला, फिर हमें 2 का 1, फिर 2 का 1, फिर देखिए हमें तीसरी चैन में भी यही करना है। ऐसे ही हम इस चैन को पूरा करेंगे। ये देखिए ये देखिए चलिए अब हम इस लाइन को पहले पूरा कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैं आगे क्या करना है। ये देखिए इस तरह से कुछ ये लाइन बनकर तैयार हो गई है। अब मैं आपको आगे बताती हूँ हमें क्या करना है। अब हम इसको ऐसे टर्न करेंगे और इसको मैं ऐसे डालेंगे और इसको हम, ये देखिए हम क्या, ये देखिए अब हम 1 चैन 2 चैन, फिर हम इसको ऐसे करेंगे, फिर हम डबल क्रोशिया अब इसी में हम ऐसे डालेंगे और ये देखिए हर चैन में हम इसको डबल क्रोशिया करते चले जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी पूरी लाइन मर ऐसे ही होएगा। ये देखिए अब मैं इस लाइन को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैं आगे क्या करना है। ये देखिए अब हमारी 2 लाइन पूरी हो गई है। अब हमें तीसरी लाइन को बनाते हैं, उसे भी हमें क्या करना है। ये देखिए 1 चैन 2 चैन, फिर हमें वही फर्स्ट हुक में छोड़ दूसरे फर्स्ट हुक में डालिए और ये देखिए फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चैन में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चैन में भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम नेक्स्ट चैन में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हमें 3 और 4 लाइन कंप्लीट करनी है डबल क्रोशिया से ही, फिर हम आपको आगे बताएंगे कि हमें क्या करना है। देखिए अब हमारी इस तरह से कुछ बनने जा रही है, फिर हमें ऐसे हम 4 लाइनें कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ हमें क्या करना है। ये देखिए अब हमारी कुछ इस तरह ये 4 लाइंस कंप्लीट हो गई है। अब हमारी ये 40 चैन थी, हमें 20, 20, 2 पार्ट्स में कर लेनी है ताकि हमें उनके 2 पैर बनाने हैं। अब देखिए अब हम कैसे पहले पैर की तैयार बनाते हैं। ये देखिए अब हम इसको, ये देखिए 1 चैन 2 चैन, अब ताकि हमें घटाना है तो अब हम 1 चैन छोड़ के दूसरी में लेंगे। तो ये देखिए ये डबल क्रोशिया ऐसे बनाएंगे हम, ये देखिए ऐसे ही हम इसको कंप्लीट करेंगे ताकि अब हमें घटाने हैं तो हम इसको ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। चलिए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ मुझे आगे क्या करना है। ये देखिए हमारी कुछ इस तरह बन के एक लाइन ऐसे तैयार कर ली हमने। अब हम इसको ऐसे टर्न करेंगे और यहाँ पर देखिए हम इसको 1 और 2 फिर चैन लेंगे, फिर हम यहाँ पर 1 घटाएंगे,
नेक्स्ट चैन को छोड़कर फिर हम इसको ये देखिए ऐसे ही अब हम पूरी लाइन को इसको भी ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये देखिए अब हम इसको फिर ऐसे ही डबल क्रोशिया करते हुए हम इस लाइन को भी कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ हमें क्या करना है। ये देखिए अब ऐसे हमने तीन लाइंस कंप्लीट कर लिए। अब चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ अब हमें क्या करना है। ये देखिए अब हम एक और ये दो चैन बना लिए। फिर अब हमने पहले एक घटाया था, अब नहीं घटाएंगे, अब हम इसको उसी तरीके से बनाते जाएंगे जैसे हम पहले बना रहे थे। ये देखिए अब हम इसको नहीं घटाएंगे ताकि हमारे युगल सरकार जी की ऊपर से पैर थोड़े से मोटे होते हैं, नीचे जाते जाते थोड़े से पतले हो जाते हैं, तो हमें इसे आगे शेप देने के लिए हम घटा रहे थे, अब हमें घटाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब देखिए हम इस लाइन को कैसे कंप्लीट कर रहे हैं, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ इसके बाद हमें क्या करना है। देखिए अब हमने कुछ इस तरह से इस लाइंस को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब हम आपको आगे बताते हैं हमें क्या करना है। फिर हमें टू चैन्स बनानी है, फिर हमें एक स्किप करके फिर दूसरे में डालना है, फिर देखिए फिर डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए ऐसे ही हमें ये वाली लाइन भी पूरी कंप्लीट करेंगे। चलिए मैं इस लाइन को भी कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ हमें और आगे क्या करना है। देखिए अब हमने वहाँ पे कम किया था, अब हम यहाँ पे कम नहीं करेंगे, अब इसको हम ऐसे ही बनाते जाएंगे। ये हम टू चैन्स लिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टू चैन में ये देखिए ये हम ऐसे डबल क्रोशिया पूरे में करेंगे, पूरे को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे ताकि ये हमारी ये हम लास्ट लाइन कर रहे हैं। फिर मैं आपको बताती हूँ ये 10 नंबर्स के युगल सरकार जी के लिए हमें कितनी लाइंस बनानी पड़ेगी डबल क्रोशिए की। चलिए तो मैं आपको ये वाली लाइंस भी कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ क्या करना है हमें आगे। चलिए देखिए हमने एक पैर कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। अब मैं आपको बताती हूँ हमने कितने हमने ऊपर ये बनाने के लिए कितने नेफे बनाने के लिए कितनी चैन ली थी। 1 2 3 4 चैन लेने के बाद हमें नीचे लेग्स के लिए कितनी लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटली हमारे 12 हमारे 10 नंबर के युगल सरकार जी के लिए। चलिए तो अब हम बताते हैं आपको दूसरे पैर के लिए हम कैसे ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए अब हम इसको ऐसे बनाएंगे, इसको हम ऐसे डालेंगे, फिर हम ऐसे करके ये देखिए पहले हम एक चैन बनाएंगे, फिर एक और दो चैन, फिर हम नेक्स्ट एक छोड़ेंगे, फिर हम बनाएंगे इसको ऐसे ही जैसे हमने उस पैर में किया था, सेम वो ही करना है हमें और कोई अलग नहीं करना है कुछ भी। अब आप देखिए मैं कैसे बना रही हूँ, फिर आप वैसे ही मेरे साथ साथ बनाते जाइए। ये देखिए अब हम पूरी को डबल क्रोशिया ऐसे ही बनाते जाएंगे। ये देखिए ऐसे ही पूरी लाइन हम पूरी करेंगे। अब मैं ये पूरी कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ हमें आगे क्या करना है। ये देखिए अब हमारी कुछ इस तरह से एक लाइन और कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको बताती हूँ हमें आगे क्या करना है। ये देखिए इस हुक में से डालेंगे,
और फिर हम डबल वो दो चैन बनाएंगे, फिर हम एक चैन छोड़ेंगे, फिर हम बनाएंगे, फिर देखिए ये एक चैन, जैसे हमने उस वाले में किया था बिल्कुल वही तरीका है, और कुछ नहीं करना है हमें, बिल्कुल सिंपल है ये बनाना। देखिए अब चलिए मैं ये पूरा पैर आपको उसी तरह से तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ हमें क्या करना है आगे। चलिए तो मैं आगे पहले वाला कंप्लीट करके आपको बताती हूँ क्या करना है। चलिए देखिए अब ये हमारी लास्ट लाइन है, अब हम इसको कैसे कंप्लीट करते हैं, अब इसको हम बंद करने जा रहे हैं। ये देखिए ये ऐसे करके अब ये हमारी पूरी हो चुकी है चैन, तो अब ये देखिए हम एक चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे और इसको ऐसे करके थोड़ा टाइट कर लेंगे और हम सीजर से इसको कट करेंगे। ये देखिए ये हमारी लाइन कंप्लीट हो गई, अब हमारी ये कुछ इस तरह की बनी है। अब मैं इसमें आपको बताती हूँ कि हम नीचे दूसरा कलर कैसे ज्वाइंट करेंगे। देखिए चलिए देखिए अब हम इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, हम इसे फर्स्ट चैन में ऐसे क्रोशिया को डालेंगे और इसको हम ऐसे करके और ऐसे लेके आएंगे। और ये देखिए अब ये इसको हम सिंगल क्रोशिया के लिए पहले एक इसमें चैन बनाएंगे, फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट चैन में से ऐसे निकालेंगे और फिर हम इसको ऐसे करके ऐसे करेंगे, फिर नेक्स्ट चैन में हम इसको ऐसे निकालेंगे। ये देखिए फिर हम इसको नेक्स्ट चैन में ऐसे निकालेंगे, फिर इस नेक्स्ट चैन में इसको हम यहाँ पे ऐसे निकालेंगे, इसको हम पूरी लाइन को हम ऐसे ही करते जाएंगे। ये देखिए ये हमारी इस तरह से ये लाइन भी कंप्लीट हो जाएगी, इसे बोलते हैं सिंगल क्रोशिया। ये देखिए अब ये हमारी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको ऐसे एक चैन लेंगे, एक चैन में से ऐसे करके इसको करके हम ऐसे बंद कर देंगे। अब इसको धागे को हम एडजस्ट कर लेंगे, अभी ऐसे ही हम दूसरे पैर में बना लेंगे। अब चलिए मैं दूसरे पैर में बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। देखिए अब हमारी कुछ इस तरह से बन के तैयार हो गई है, ताकि हमारे युवा सरकार की टांग ऐसी होती है तो हमें उन्हें बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे आगे, हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे फोल्ड करके ये ऐसे कुछ इस तरह से बनेगी। अब चाहे तो हम इसमें टिच बटन लगा लीजिए, चाहे आप वेलक्रो लगा के यहाँ पे एक डोरी डाल लीजिए। जैसे देखिए मैंने तो इसमें टिच बटन लगा रखे हैं, इस तरह से आप टिच बटन लगा सकते हैं ताकि हमारे उनको पहनाने में प्रॉब्लम ना हो, और इसको इस तरह से डोरी से पीछे से हम डाल सकते हैं। अब वैसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको उनको पहनाना बताऊंगी किस तरह से हम आपको पहनाई जाती है उनको ये वाली पजामी। चलिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।